हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि ऑइंटमेंट का रोल, ऑइंटमेंट का रोल, ठीक है। सो व्हाट इज ऑइंटमेंट? ऑइंटमेंट इज ए पेस्ट टाइप ऑफ मटेरियल, पेस्ट की तरह एक मटेरियल है जो कि किसी उंड को कवर करने के लिए, ठीक। अब उंड बहुत तरह का हो सकता है, बताया ट्रॉमेटिक उंड हो सकता है, बहुत तरह का उंड हो सकता है, लेकिन हम लोगों को स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे देखिए, ये स्किन इन्फेक्शन नहीं है, ये डर्मेटोलॉजी में प्रॉब्लम है, यह पाउडर से एलर्जी है, ठीक है। तो इसको हमको डैमेज न होने के लिए तीन चीज़ की ज़रूरत है। एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो इसको मुलायम रखे, ठीक। दूसरी चीज़ है जो इसको चिकना रखे, ठीक। और तीसरी चीज़ जो इसको इन्फेक्शन न होने दे, यानी पेन लाइए हैं, यानी जो स्किन को जो चीज चाहिए है वो ये कि उसको मुलायम रखे, मॉइस्ट रखे, मॉइस्ट रखे, ठीक है। दो, स्लिपरी रखे, ठीक है। और तीसरा, इन्फेक्शन से बचाए, ठीक है। तो मॉइस्ट रखने, किसी चीज़ को भींगा हुआ रखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है। इसीलिए सारे वाइट में पानी का कंपोनेंट रहता है, सारे वाइटमेंट है, चाहे कोई अवाइंटमेंट रहे। और स्लिपरी इसलिए है कि स्लिप करेगा तो रगड़ाएगा नहीं। तेल लगाने से हम लोग शरीर में तेल, पानी कहाँ नहीं लगाते हैं? पानी लगा के मालिश करते हुए सुना है, सुना है कि नहीं? नहीं, कड़वा तेल से मालिश करते हैं, इसलिए कि स्लिपरी है। अगर पानी से लगाइएगा तो पक्का हाथ थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक। और अगर आप तेल लगा रहे हैं बाबू, तो तेल में बहुत सारा क्वालिटी है, अच्छा तेल लगाइएगा, स्लिपरी होगा। तो स्लिपरी होगा तो आपको मसाज का इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो द सेकंड थिंग इज कि इस ऑइंटमेंट में कि वो स्लिपरी भी हो, ठीक है। और तीसरा ये है कि उसके अंदर उस बीमारी को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक, ये वो जो चीज़ लगा सकते हैं। चुनांचे हमारे पास तीन चीज़ ऑइंटमेंट की शक्ल में आती है, जेल की शक्ल में आती है और क्रीम की शक्ल में आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को कि पानी बेस्ड, पानी को हम जेल की शक्ल में ले आते हैं। बहुत शावर जेल वगैरह सब आता है, क्या है शावर जेल? शावर जेल समझते हैं ना? तो शावर जेल जो है ये एक तरह का पानी का एक ऐसा कंसंट्रेटेड फॉर्म है जो पानी है, पक्का पानी है, जिसके अंदर कुछ कुछ केमिकल मिला हुआ है। इसके अंदर 80% से ज़्यादा पानी रहता है। तो अगर किसी उंड को आप जेल से ड्रेसिंग कर दीजिएगा, गॉस पीस में मिला करके जेल को आप लगा दीजिएगा, तो पक्का पानी उड़ जाने के बाद वो कड़ा लकड़ी हो जाएगा, ठीक है। ड्राई होने होना, पानी बेस्ड है, तब तो पर्पस सॉल्व हुआ आपका, नहीं पर्पस सॉल्व हुआ है। तो जेल यूजुअली हम लोग लगाते हैं ऐसी जगह पर स्किन के ऊपर, मॉइस्चराइजर के तौर पर, समझिए पानी बेस्ड होता है जो स्किन का ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये जेल वाटर बेस्ड होता है और आम तौर से उन जगहों पर जहाँ पर के हमको सूखने का डर रहता है, जो एक्सटर्नल सरफेस है, याद रखिए एक्सटर्नल सरफेस यानी चमड़ा पर ही वो जेल लगा सकते हैं। जैसे हम लोग जेल कहाँ लगाते हैं? चेहरे में लगाते हैं, ठीक। जैसे मॉइस्चराइजर इज अ जेल, इट इज़ नॉट एन ऑइंटमेंट, इट इज़ नॉट अ क्रीम, इट इज़ अ जेल। तो शरीर में जहाँ जहाँ हम लगाते हैं जेल लगाते हैं, ठीक, तो वो वाटर बेस्ड है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, क्रीम और ऑइंटमेंट। क्रीम और ऑइंटमेंट में फ़र्क यह है कि क्रीम में 50% ऑयल रहता है, ऑयल इन द फॉर्म ऑफ घी, इन द फॉर्म ऑफ नेप्था, इन द फॉर्म ऑफ एनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक। और ऑइंटमेंट में ऑयल का कंपोनेंट 80% रहता है, ठीक है। इसीलिए क्रीम को अगर पानी में डाल दीजिएगा तो ऐसे तक कीजिएगा तो घुल जाएगा, इसलिए कि इसके अंदर पानी का कंपोनेंट अच्छा खासा है, ठीक है। लेकिन क्रीम को, ऑइंटमेंट को अगर आप पानी में डालिएगा तो एकदम गोल सा गुठली की तरह रहेगा, जरा सा नहीं घुलेगा। क्यों? 80% पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, मोम है, ग्रीस है, समझिए इसको अच्छे से। तो ऑइंटमेंट में अगर, ऑइंटमेंट क्या है? नेप्था बेस्ड है, नेप्था के मतलब हुआ पेट्रोलियम जेली बेस्ड है। तो यूजुअली हम लोग लगाते हैं बहुत सारे स्किन डिजीज में उसके अंदर, लेकिन देखिए क्या है, 80% है और 20% पानी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो जिस चीज़ का भी लगाइएगा गड़बड़ा जाएगा,
ठीक। अब आपको हम बताएं कि हमारे यहाँ ये प्रथा चली हुई है कि कड़वा से हम मालिश इसलिए करते हैं तो कि कड़वा तेल के अंदर पानी का अंश अच्छा रहता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कड़वा तेल, वन इज पक्का कड़वा तेल, वन इज कच्चा कड़वा तेल। पक्का कड़वा तेल जो हम लोग को धारा के शक्ल में आता है वो खौलाया हुआ तेल होता है, जिसके अंदर से पानी का अंश निकला हुआ रहता है। इसीलिए पक्का कड़वा तेल साल भर भी पसारी की दुकान में रह गया तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन कच्चा कड़वा तेल जो हम पिला के लाए हैं वो एक महीने से ज़्यादा नहीं रहता, उसके अंदर महक आ जाता है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर मोटा मोटी 30% पानी होता है, कच्चा कड़वा तेल याद रखिएगा। तो कच्चा कड़वा तेल जब हम पिड़वा के लाते हैं, दैट इज द बेस्ट कड़वा तेल। बाबू जरा सा बैठ जाइए, लाते हैं हम लोग उसका, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर मालिश। जितना भी शरीर को मालिश करना चाहते हैं, हम आपको बताया कि वो मॉइस्चर भी होना चाहिए उसके अंदर और वॉयली भी होना चाहिए, तो कच्चा कड़वा तेल इज द बेस्ट थिंग फॉर मालिश। ठीक, इसीलिए बच्चे को जो हेल्दी मालिश अगर करना है तो कच्चा सरसों तेल से या कच्चा नारियल तेल से। बाजार में जितने भी पैक नारियल तेल आ रहे हैं वो सब पक्के नारियल तेल हैं, खौलाया हुआ है, उसके अंदर पानी का अंश कम है, इसी कारण वो इतने दिन टिकता है। कच्चा नारियल तेल इतनी बड़ी बोतल में राजू ला के दिया था, याद कीजिए, कच्चा नारियल तेल साउथ इंडियन लोग के यहाँ मिलता है, नारियल को पेड़ करके निकाला हुआ, तो उसका बड़ा वैल्यू है बहू। अगर आपको सही माने में लगाना है तो कच्चा कड़वा तेल या कच्चा नारियल तेल लगाइए। मेरे घर में भी ऐसा रहा है कि शुरू से हम लोग पुराने ख्याल के आदमी घर में सर में कड़वा तेल लगाते थे। जब मेरा मेडिकल कॉलेज में हो गया तो वहाँ क्या कड़वा तेल लगाते थे, धारा कड़वा तेल ला के रखे हुए थे, वही सर में लगाते लगाते देखिए गंजे हो गए। क्यों गंजे हो गए? इसलिए गंजे हो गए कि वह पक्का वह कड़वा तेल था, आदत तो खराब थी, वही कड़वा तेल लगा लगा के पूरा हम कितना डिब्बा खत्म कर दिया होगा। बाद में समझ में आ गई सराई तो पक्का कड़वा तेल लगा रहे थे, कच्चा कड़वा तेल लगाना था। ठीक है, और घर में भी यहाँ हम कड़वा तेल लगा रहे हैं तो घर में रोज डांट सुनने के, आप पुराने आदमी है, कहाँ से शादी हो गया, ये हो गया, वो क्या सुन रहे हैं, कड़वा तेल लगा रहे हैं। अब मेरी मैडम रोज सुबह शाम कड़वा तेल सर में पोत रही हैं, वो जो हम लोग का पिड़ाया वो कच्चा कर रहा हूँ। क्यों? उसको लगाने के बाद उनको लगा कि इससे अच्छा मॉइस्चराइजर तो कुछ हो नहीं, सारा झुट्टों का मिलता, क्रीम त्रीम में खर्चा कर रहे थे। ठीक, तो इस तरह से उस मॉइस्ट कड़वा तेल का जिसमें मॉइस्चर है का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी तेल जिसके अंदर मॉइस्चर होगा उसका एडवांटेज तो होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट है, देखिए दिस इज नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट। ठीक है, और इसके अंदर नफ्था यानी पेट्रोलियम जेली, ये बेस है, इसीलिए आप जिसके ऊपर आप लगाइएगा वो जल्दी सूख के ड्राई नहीं होगा। ठीक, इसके बाद देखिए ये जेल है, इस्टो जेल, समझिए ये वाटर बेस्ड है, इसको लगा दीजिए थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा। ये वेजानल क्रीम या कुछ है इसी तरह का चीज़ है, या चेहरे पर भी लगा सकते हैं आप माने मॉइस्चर के तौर पर। लेकिन देखिए आप यहाँ देखिए ये ऑइंटमेंट फुसिडिन ऑइंटमेंट। अब क्या हुआ है कि ऑइंटमेंट और क्रीम समझ रहे हैं, क्रीम में बता दिया आपको कि वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑइंटमेंट में वाटर कंटेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन बहरहाल ये फुसिडिन का ऑइंटमेंट है, समझिए इसको। एम बैक क्रीम देखिए ऑइंटमेंट है ये। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कौन सा मैं कितना पेट्रोलियम जेली मिला हुआ है, इसीलिए जेलोनेट जो इस्तेमाल करते हैं क्या है, वो गौज में पेट्रोलियम जेली मिला हुआ है, सो दैट कि वो जख्म को कवर कर ले। ठीक, तो वो पेट्रोलियम जेली इटसेल्फ इज एन ऑइंटमेंट। देखिए पोविडिन ऑइंटमेंट और ऑरिंडाजोल ऑइंटमेंट, इसमें भी ऑइंटमेंट लिखा हुआ है, ये वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए कुछ ऑइंटमेंट जो लिखे हुए हो मिलेंगे आपको वो वाटर सॉल्युबल होंगे और कुछ वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन 100% वाटर सॉल्युबल कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा, कुछ सॉल्युबल लेकिन ज़रूर मिलेगा। अब देखिए इसके अंदर ये भी एक है, कौन ये तो हाइजीन में देखिए क्या लिखा हुआ, कौन ये बेकार है फालतू चीज़ है, कहाँ चला गया, और चीज़ यहाँ पर यहीं पर था, हाँ कुछ हाँ हाँ देखिए क्रीम ट्रीटिकम वल्गम का क्या क्रीम लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज क्रीम,
हाँ क्रीम आपको बताया था कि इसके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, ये इसको अगर मिलाइएगा कुछ देर से करते रहिएगा तो ये मुलायम होने के बजाय सूख के चटचट होके ख़त्म हो जाएगा। तो क्रीम यूजुअली स्किन को कवर नहीं करता, ऑइंटमेंट स्किन को कवर करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना हम बता देने के बाद आप समझिए बात को कि हम लोगों का पर्पस जख्म को कवर करने के लिए ऐसा है कि जो अंदर के टिश्यू को सूखने भी नहीं दे, जो डस्ट को लगने न दे, जो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को ग्रो न करने दे, जो ग्रैनुलेशन टिश्यू को बढ़ावा दे, और ऐसा भी हम लोगों को ज़रूरत है कि साहब उसको ऑक्सीजन भी मिले। तो चुनांचे ऑइंटमेंट मतलब जो ड्रेसिंग का पर्पस 5 था जो अभी हमने बताया, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये सारे ऑइंटमेंट हैं। पानी नहीं डालते रहिएगा, यू नीड ए सर्टेन टाइम फॉर ड्रेसिंग। सो हमारे यहाँ एक गलत प्रथा है कि जितना जल्दी जल्दी ड्रेसिंग करेंगे उतना जल्दी ठीक होगा, जबकि ये गलत है कि ईच ड्रेसिंग इंज्योर्स द टिश्यू। सो देयर इज अ ऑप्टिमम टाइम, ऑप्टिमम टाइम है 3 या 4 दिन ऑप्टिमम टाइम है किसी भी ड्रेसिंग को दोबारा करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि उस ऊंट से कितना मवाद निकल रहा, पस निकल रहा, क्या निकल रहा। डेली एनी बडी हु इज गिविंग डूइंग ड्रेसिंग डेली इज डैमेजिंग द टिश्यू, माइंड इट। ठीक है, तो 3 से 4 दिन एवरेज टाइम है ड्रेसिंग को कराने के करने का। और एक और बात समझिए कि इस चीज़ को इस वजह से भी देखते हैं कि हम ड्रेसिंग किस मटेरियल से कर रहे हैं। ठीक है, तो बीटाडीन से ड्रेसिंग कर रहे हैं भाई साहब तो 3 दिन चलेगा, ठीक। और अगर ऑइंटमेंट से ड्रेसिंग कर रहे हैं तो आप देखिए कि उंड कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। बट स्टिल ये बात सामने आ रही है कि आपका कितना तजुर्बा है उंड को देख करके, तजुर्बा है उंड को देख करके कि इस मरीज को कितने दिन के बाद बुलाना चाहिए। आप देखते होंगे कुछ कुछ उंड को हम देख करके बोलते हैं कि ऑइंटमेंट ड्रेसिंग कर दो, 1 हफ्ते के बाद बुलाओ, कि उंड इज इन हीलिंग फेज, तो हम उसको 1 हफ्ते के बाद बार बार क्यों डैमेज करेंगे। अब हमको उस ऑइंटमेंट का ड्रेसिंग कर करके कैसे नहीं कमाना, छोड़ दीजिए सर, झूठ मुका भीड़ धक्का बढ़ाने से कोई फायदा नहीं को है। तो इस बात को समझा आपकी कि एक तजुर्बाकार ड्रेसर का बड़ा वैल्यू है, वो उंड के नेचर को समझता है, कब उसका ड्रेसिंग करना है वो भी समझता है, कितने दिनों बाद बुलाना है वो भी समझता है, और कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है मरीज को कंसस करना भी उसका काम है। सो देर इज़ अ ग्रेट वैल्यू फॉर ए तजुर्बाकार एन एक्सपीरियंस ड्रेसर। सो वन मस्ट ट्राई टू बिकम, क्यों, ड्रेसर उंड के नेचर को समझता है, ये कौन उंड है, इस्कीमिक उंड है, ट्रॉमेटिक उंड है, इन्फेक्टेड उंड है, डायबिटिक उंड है, कौन उंड है भाई देख लिया जाए, ठीक, और उसी उंड के हिसाब से वो ट्रीटमेंट ड्रेसिंग ये वो सब करता है। चलो रुको,